और भाई लोग कैसे हो, अपन आ गया फिर से मचाने। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो हम इस लोकेशन में रहते हैं जो कि ऐसा कुछ दिखता है, और ये मेरा रूम है। और हम चलेंगे आज आपको घुमाने वाले हैं मार्केट और रंजन गांव का। हम मार्केट में जाएंगे, वहां पे भी एक स्टोर से थोड़ा बहुत जो भी है हम आपको दिखाने वाले आज रंजन गांव का मार्केट, जहाँ पे एक बहुत ही फेमस टेम्पल है जो बहुत ही फेमस है। बच्चे हैं पीछे दिख रहे हैं, वो काम से आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं, तो हम चलेंगे। चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। तो भाई लोग, हम काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। इसका रीज़न था क्योंकि हम आ रखा हूँ महाराष्ट्र में, जहाँ महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में, जो कि काफ़ी फेमस सिटी है। तो मैं रंजन गाँव में हूँ, महाराष्ट्र पुणे के रंजन गाँव में मैं अभी फ़िलहाल स्टे किया हूँ पिछले 2-3 दिन से। तो कुछ टाइम यहाँ पे रहूँगा, उसके बाद यहाँ से निकलूँगा और आगे की तरफ देखता हूँ, मुंबई या फिर दिल्ली, यहाँ से निकलूँगा तो आपको घुमाऊँगा। बाकी का ये सीरीज चालू जल्दी हो जाएगा, चलिए घूमते आज। ये यहाँ की मार्केट जो कि आपको दिख रहा होगा, आप आएंगे तो ऐसे ही तो मार्केट दिखेगा यहाँ का। अभी रोड का काम चल रहा है, बाकी इधर पहाड़, यहाँ से थोड़ा सा ही है, मुझे लगता है कि 500 मीटर या 400 मीटर ही होगा आगे। मेन रोड ही है, और वो जो कि बस स्टॉप है रंजन गांव का, ये पीछे देख रहे हैं, ये रंजन गांव का सबसे बड़ा बस स्टॉप है। यहाँ पे अगर पुणे से आप आ रहे हो तो यहाँ पे बताओगे कि रंजन गांव बस स्टॉप पे जाना है, तो आपको बस वाला यहीं पे छोड़ेगा, वहाँ पे इस साइड आपको छोड़ देगा। और बाकी एक मंदिर है यहाँ पे, ये कुछ ऐसा मार्केट है जो कि मैं आपको दिखा दूँ तो ऐसा दिखता है। मैं ऊपर की तरफ, ये थोड़ा सा खाल है यार, हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ये रंजन गांव का जो मेन मार्केट है, ये देखिए यहाँ का ऐसा कुछ दिखता है, मेन मार्केट है यहाँ का। और ये यहाँ का बहुत ही फेमस है जय भवानी मिठाई वाले। आप जैसे रंजन गांव के अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको ये सामने ही दिख जाएगा मिठाई वाला। और बाकी हम ये आपको दिख रहा होगा ये, और ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये वैन से रखी हुई है। सामने आपको दिख रहा होगा कि एक मंदिर है, तो हम अभी क्रॉस कर रहे हैं रोड, बाकी इधर पब्लिक आ रही थी और हम जा रहे हैं उस साइड मंदिर के साइड, और हम आपको दिखाएंगे मंदिर और मार्केट में आज सुबह हैं हम लोग। बाकी यहाँ पे बस स्टॉप है, यहाँ का ये स्टॉप है, पार्किंग है, सॉरी यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे और सामने ही दिख रहा है ये मंदिर। यहाँ के मंदिर, ये बहुत ही फेमस मंदिर है जो कि महागणपति का मंदिर है। यहाँ पे आपको कॉफ़ी शॉप वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए सामने दिख रहा होगा, वो दिखा दूँ तो, और ये यहाँ का फेवरेट गणपति का मंदिर। आपको अगर कहीं से आ रहे हो तो आप गणपति मंदिर पे बोल दोगे तो भी आपको बस वाला छोड़ देगा। ये सामने दिख रहा होगा मंदिर, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ का स्टॉप, ये पार्किंग एरिया है, आपको जगह जगह पर दिख जाएगा जूस वाला, कॉफ़ी वाला, स्नैक्स, चाय वाले। और मैं बता दूं कि मैं पिछले कुछ दिनों से यहीं पे रहने वाला हूँ, और मैं करीब 2-3 दिन पहले आया यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा, और एक्सप्लोर यहाँ के कुछ एरिया जो मार्केट वगैरह है, यहाँ का कुछ फेमस चीज़ उसको एक्सप्लोर करूँगा, तो आपको वो तो दिखेगा ही। और बाकी का हम कुछ 15 या 20 दिन यहाँ पर रहने वाले हैं, उसके बाद मुंबई या फिर दिल्ली निकल जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे दो बड़ी बड़ी हाथियाँ भी हैं ये देखो कितने बड़े, बहुत ही बड़ी हाथी है यहाँ पे। एक इस साइड है और आपको एक उस साइड दिख जाएगा, ये देखिए। बाकी ये यहाँ का गेट, वेलकम टू महागणपति रंजन गांव। फोटो शूट वगैरह चल रहा है इन लोग का। ये भाई तो कुछ बाहुबली ज़्यादा ही लग रहा है। और ये फ्लैग हमेशा लगा रहता है यहाँ पे,
यहाँ पे एक वीकली जो कि साप्ताहिक कुछ बुधवार या फिर बृहस्पतिवार को मार्केट लगता है, ये कॉफी शॉप यहाँ पे जगदम्बा, ये है मार्केट। और यहाँ पे मार्केट लगता है जो कि वीकली में एक दिन, काफ़ी भीड़ होती है यार यहाँ पे, सब्जी वगैरह कपड़े वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और यहाँ से निकल जाएंगे, ये जो सामने दिख रहा है यही है वो, इसी के अंदर लगता है, परसों लगा हुआ था। तो हम लोग आए थे यहाँ पे, काफ़ी कुछ खरीदे, बाकी यहाँ पे एक होटल है स्टे करने के लिए, आ सकते हैं।